माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता, उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देर आर नो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वॉरंट द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय धिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। देर आर नो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, ऐसा कहा है, द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ये सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं, कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट ऑन द पिटिशंस बिफोर देम अंडर द 10th शेड्यूल एंड अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। व्हाइल एडजुडिकेटिंग पिटिशंस अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर द ईसीआई मे अप्लाई अ टेस्ट दैट इज बेस्ट सुटेड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस बिफोर इट। इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है, अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन हु द पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस
under paragraph 2(1) of the 10th schedule where two or more factions claim to be that political party. तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इन्वाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि यह सरकार संवैधानिक नहीं है उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है।